नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस जड़ा न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। पीसीसी में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश में। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। कमलनाथ जी ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि जो किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए हैं, हम उनका विरोध करते हैं और किसानों को भी हम उनका पूरा समर्थन देंगे और उनके साथ हम उनकी लड़ाई में खड़े हैं। 175 लाख टन, 175 लाख टन, मध्य प्रदेश का है 196 लाख टन। ये मैं 19-20 की फिगर दे रहा हूँ कि 20-21 की अभी तक पूरी तरह आई और ये भरी है और ये गैप बड़ा है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा 66% 2/3 प्रोडक्शन करता है उनका, केवल 3 प्रदेश। ये जो आंकड़े हैं ये सब इंटरनेट पर, जो कोई गुप्त आंकड़े, सब इंटरनेट से मैंने भी निकाले। और अगर मध्य प्रदेश का गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा जो प्रोक्योरमेंट है, MSP कितने लोग, प्रश्न ये है कि सबको MSP मिल जाता है। मध्य प्रदेश में 20% लोगों को MSP मिलता है, ये भी इंटरनेट का आधार है। इसमें अगर हम एक किसान ने गेहूं का भी ले लिया, उसके बाद धान का भी ले लिया, तब 28% हो जाए। अगर हम उसको एक परिवार माने तो ये 20% है, 18 लाख परिवारों को मिलता है। ये इंटरनेट का है। पूरे विश्व में इंदिरा गांधी जी के सोशलिज्म पर, नेशनलाइजेशन पर आलोचना की जाती है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जनसंघ ने इसका विरोध किया। जब कोयले के खदानों, देखिए ये तो इतिहास है, मेरी सोच है, जब कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, उस समय की जनसंघ ने इसका विरोध किया। ये इनकी सोच अपने कानून में क्या है, ये कानून कृषि क्षेत्र का निजीकरण है। आज किसी को छूट है मंडी का स्टेटस लेने की, बड़े बड़े उद्योग मंडी का एक विभाग बना सकते हैं, एक डिपार्टमेंट उनका बन जाएगा, मंडी विभाग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर कर देंगे। किसान सोचेगा मैं तो मर जाऊंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, बड़ा साधारण, बड़ा सरल लगता है, पर जिस किसान को खाद और बीज ना मिले वो मजबूर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। इसीलिए ये 3 कानून बड़े काले कानून है। मैं बड़े संक्षेप में ये बात कह रहा हूं, पर ये पूरी व्यवस्था जो बदलने का प्रयास है, इसको बारीकी से समझने का, और खास करके आप जो समाज के लिए एक प्रकार के रक्षक है, आपको समझ कि इसका प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश में क्या पड़ेगा। ये जो निजीकरण इन्होंने कृषि क्षेत्र का किया है, पैन कार्ड हो गया, केवल पैन कार्ड की जरूरत है और आप व्यापार कर सकते हैं। आज जो व्यापारी है वो मंडी में रजिस्टर होता है, उसका रजिस्ट्रेशन, आज उसको रोक रकावट है स्टॉक की, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये हटा दी, तो आज कोई बड़ा उद्योग कहे कि मैं तो 50,000 1,00,000 टन का स्टॉक कर दूंगा, आज कोई भी स्टॉक कर सकते, मार्केट कंडीशन इससे चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे तक दाम वो कंट्रोल कर सकता है, जैसी मार्केट में नहीं आया भाव उभरेगा, ऊपर बाद में हमारा जो उपभोक्ता है वो बढ़ेगा। तो ये कानून की बुनियाद हमें समझ, इसीलिए अकाली दल ने कहा, हम NDA के सबसे पुराने फाउंडर मेंबर हैं, NDA के छोड़िए। आगामी कार्यक्रम के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि जिस तरीके से बीती 28 तारीख के दिन हमारी रैली को रोक दिया गया और हमें धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया, उस पर उन्होंने कहा कि आगे हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरे कार्य निपटाएंगे और इसी श्रृंखला में आगामी 7 जनवरी के दिन जिला लेवल पर प्रदर्शन किया जाएगा। अगर हम उसके आगे की बात करें तो 20 जनवरी पर मुरैना में भी सम्मेलन आयोजित किया गया है और आगामी 23 जनवरी के दिन राजभवन पर घेराव किया जाएगा। मैं रश्मि जैन, यस जड़ा न्यूज, कैमरामैन अजय के साथ, भोपाल।